देखिए हटिए ना, अधिकार करने की बैठक है। जिस तरह कल सवाल उठा, कल की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बातों को रखा, क्या चल रहा है? देखिए जिस तरह की घटनाएं हुई, लोग इस प्रजातंत्र में आपस में तालमेल करते हैं तो विश्वास एक दूसरे पर किया जाता है और एक दूसरे पर भरोसा करके ही चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन इस बार का जो चुनाव हुई वो विचित्र तरीका का था। जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के अभिमन्यु की तरह सब कोई मिलकर हत्या करेंगे कोशिश किया गया था जो महाभारत में, उसी तरह से जनता दल यूनाइटेड के इस बार का चुनाव में सब दल मिल करके भीतर भीतर इसकी इनको हराने का काम किया गया। ये सबसे प्रजातंत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है, इसी पर विचार होगी सारी। लेकिन 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 सहयोगी के द्वारा भी जो किया गया, उससे क्या लगता है कि सहयोगी भी इसमें शामिल किया मानते हैं? अब देखिए इसमें तो हम तो सभी का बात कर रहे हैं, जो एलआई पार्टी है सब बात कर रहे हैं, जो विश्वास पर खड़ा उतरना चाहिए और ये दुर्भाग्य की बात करने जाता है। जी आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी कई निर्णय हो सकते हैं। जनता दल यू पॉलिटिक्स भी डिफरेंस के लिए जानी जाती है। राजनीतिक सरोकार को हमने सामाजिक सरोकार से जोड़ा, बदलाव की पटकथा लिखी, गांव आधारित विकास ये हमारा मॉडल है। तो पार्टी की राज्य परिषद की बैठक जो बिहार में विकास की हमारी उपलब्धियां हैं, हमारा नेतृत्व जो है इस पूरे देश के अंदर एक मानक जो राजनीति स्थापित किया, अपेक्षित परिणाम नहीं आया, तो उस संबंध में पार्टी की राज्य परिषद और विभिन्न जो चुनौतियाँ हैं, जो भविष्य की चुनौतियां, विकास की जो पटकथा लिखना और समाज के सारे तबकों का बगैर समाज में तनाव पैदा किए हमने विकास किया है ये, और कोविड 19 के दौर में हमने जो किया है बिहार की जनता को समर्पित किया, वो निश्चित रूप से एक मॉडल है। तो इन तमाम चुनौतियों के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। RJD के लोग तंज कस रहे हैं, अरे वो बेचारा क्या करेंगे, जिनके सिरमौर ही मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं। तो चरवाहा विद्यालय से जो राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करेगा तो उनको तंज कसने के लिए भी आउटसोर्सिंग करना पड़ता है, खुद नहीं कर सकते। ये अब जदयू के विधायक का बयान मैंने भी सुना है, उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा है 6 महीने के बाद आदरणीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश जी पद छोड़ देंगे। अब वो कैसे बोले हैं वो तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछिए, लेकिन मेरा भी मानना है जो मैं देख रहा हूँ सरकार बनने के बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार में जो देरी हो रही है, निश्चित कहीं ना कहीं आदरणीय नीतीश कुमार जी दबाव में हैं और पता नहीं किस दबाव में हैं। अरे वो तो पहले भी महागठबंधन में रह चुके हैं, अगर उनको लगता है कि वहाँ पर विकास नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, और मैं आपको बता दूँ भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख युवकों को रोजगार देने की बात की थी चुनाव में, ऐसे तो वो 2014 में भी 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने की बात प्रत्येक वर्ष कर चुकी है, जो आज रोजगार क्या, लोग बेरोजगार हुए हैं करोड़ों लोग, इसलिए वो उनके बात तो ऐसे ही झूठ बोलते हैं। लेकिन फिर भी इस बिहार के चुनाव में 19 लाख नौकरी देने की बात की है। मैं मंत्रिमंडल विस्तार का हम लोग पूरे महागठबंधन के कांग्रेस राजद CPI माले इंतजार कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हो, और अगर वह काम नहीं करेगा, चाहे वो रोजगार देने की बात हो 19 लाख, या गरीबों को घर देने की बात हो, या शिक्षा में विकास की बात हो, या जो भी उन्होंने वादा किया, अगर नहीं करेंगे तो हम लोग सभी मिलके सरकार को घेरने का काम करेंगे, और उसके बाद सरकार अगर नहीं मानी हम लोग सड़क पर सब पार्टी उतर के पुरजोर आंदोलन करेंगे, जनता के साथ आंदोलन करेंगे, क्योंकि जनता की अपेक्षाओं पे सरकार का और हम लोग जो भी प्रतिनिधि है उसको खड़ा उतरना होगा। और मैं आग्रह करूँगा आपके माध्यम से, अगर नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री वहाँ उनको लगता है कि दबाव में काम नहीं कर पाए, आइए महागठबंधन में, आपका स्वागत है, हम लोग मिलजुल के बिहार का विकास करेंगे।